इंडिया चीटर है और ये सारे इंडियंस ना चीटिंग करते हैं। 2002 में इंग्लैंड की सेकंड टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूरा इंग्लिश मीडिया हम पर चीटिंग करने का इल्जाम लगा रहा था। और कारण, इंडियंस ने जानबूझकर स्लो ओवर रेट पर बॉलिंग की जिससे प्लेइंग ओवर्स कम पड़ गए और वो ऑल आउट होते होते बच गए। और इस सब के बदले उन्हें सिर्फ 40% मैच फीस कम करने की सजा। बस ये सारे के सारे ना सिर्फ चीटिंग करके खेलना जानते हैं। अब हाँ, सचिन द्रविड़ और दादा ने एक शानदार पारी के लिए थी और हाँ, डेब्यूटेंट पार्थिव पटेल अंत तक डटे रहे थे और इंग्लिश बैट्समैन ने तो चौथे दिन अर्ली लाइट लेकर 10 से 12 ओवर वेस्ट किए थे। पर वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो चीटिंग। पर जल्दी उन्हें वो भी नहीं बचा पाएगी क्योंकि अगला मैच हेडिंगली में होना है, इन सारे फॉरेन टीम्स का कब्रिस्तान। वहां हम सारा हिसाब चुकता कर देंगे, वहां ये सीरीज खत्म कर दी जाएगी। और ऐसे माहौल में शुरू हुआ इस सीरीज का तीसरा टेस्ट, वो टेस्ट जिसने अनिल कुंबले के शब्दों में इंडियन क्रिकेट को मानो एक नया जन्म दिया था। आज जानते हैं हेडिंगली की कहानी। अब इंग्लिश मीडिया का उछाला कीचड़ सिर्फ चीटिंग तक ही सीमित नहीं था। सचिन मैच खत्म करने की क्षमता ही नहीं रखता। द्रविड़ को रन्स लेने से रोक दो तो फ्रस्ट्रेशन में कोई बुरा शॉट खेल देगा, और जो बॉलर्स अब तक एक भी बार 20 विकेट्स ना ले पाए हो उनका जिक्र ही क्यों करना यार। और कुछ कम था तो वो अब अपने बोर्ड से झगड़ रहे। एडवर्टाइजिंग को लेकर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट यहां तक पहुंच गया था कि BCCI चैंपियंस ट्रॉफी में इनको बिठाकर कोई बी टीम भेजने की बात कर रही थी। और इन सब के बीच फंसा उनका वो कप्तान जिसके कल तक फॉर्म के लाले थे, जिसको जरा सा गुस्सा दिलाकर कोई भी आउट कर सकता है, जो अब भी अपनी शर्ट निकालने के लिए हर जगह से गालियां खा रहा था। वो कप्तान अब अपने रूम में बैठे अपनी टीम के लाइनअप शीट को घूरे जा रहा था। उस ड्रॉ के बाद जहां उन्होंने पूरी टीम को कुछ दिन की छुट्टी दे रखी थी, वहां वो कप्तान खुद अपने कोचिंग स्टाफ के साथ आने वाले तूफान की तैयारी करने में लगा हुआ था। आने वाला तूफान हेडिंगली, आर्ग्यूएबली इंग्लैंड का बेस्ट पेस ट्रैक, जिसे उस पर सालों साल खेलने वाले लोग भी डरते थे। मूड हो तो एकदम शांत, पर जरा से बादल क्या आ जाए तो सीधा आपकी जान लेने पर उतर आए। पिछले 103 सालों में वहाँ किसी भी स्पिनिंग टीम ने जीत दर्ज नहीं की थी, और भारत के नाम आज तक सिर्फ एक जीत, जहाँ कप्तान कपिल देव ने पूरे पहले इनिंग में स्पिनर से सिर्फ 3 ओवर जलवाए थे। पर वहाँ जहाँ रॉजर बिनी के मीडियम पेस ने वो इनिंग घुमा दी थी, यहाँ इन इंडियन पेसर्स ने इस सीरीज में तो दादा समेत पूरा कोचिंग स्टाफ कुछ नए आइडियाज ढूंढने में लगा हुआ था। और इसी के चलते टीम का ब्रेक खत्म होते ही उन्हें टीम मीटिंग के लिए बुलाया गया, सबके ओपिनियंस पूछने के लिए। अब बाकी सब तो हमेशा के थे, बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी, बैटिंग को स्टेबल होना होगा, पर कुंबले वो एक अलग ही प्लान दे रहे थे। कंडीशंस, पिच, ग्राउंड सब छोड़ दो, अपनी बेस्ट टीम उतारते हैं और जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी बेस्ट टीम यानी स्पिनिंग लाइनअप। अब अगर भज्जी ये आइडिया प्रपोज कर रहे होते तो समझ सकते हैं, गरम जवान खून हमला करने को आतुर, पर कुंबले जैसा अनुभवी प्लेयर ऐसी बात कर रहा है, ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड थे। पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि इस आइडिया के सपोर्ट में उठे थे राहुल द्रविड़। अबे ये हर बार ग्रीन विकेट बना देता है जिन पर हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो क्यों ना हम स्पिन ट्राई करें। अगर हम किसी तरह से आखिरी दिन पर 200 का भी टारगेट दे पाए तो अपने स्पिनर्स के दम पर जीतने का कोई चांस तो है। इंडिया का सबसे ट्रेडिशनल प्लेयर इतना अनकन्वेंशनल आइडिया दे रहा था। लोगों ने फाइनली इसको जरा सीरियस लेना शुरू किया, जिसमें से सबसे आगे थे दादा। आखिरी इनिंग में पिच की मदद से मैच घुमाने का आइडिया वो लास्ट मैच में भी ट्राई कर चुके थे, और अब अपनी टीम में जीतने की भूख जागते देख दादा झट से मान गए। पर जिस निर्णय को दादा ने हंसते हंसते ले लिया था उसका वजन आसानी से संभलने वाला नहीं था। प्योर पेसर्स पिच पर स्पिनिंग टीम उतारना अगर काम कर जाए तो ठीक, पर अगर ना करे तो इसे इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से गिना जाएगा। उस पर पहले BCCI से पंगा, तो पूरे चांसेस थे कि मैच हारते ही उनके हाथ से कप्तानी छीन ली जाती। उस पर जो खिल्ली उड़ती, बदनामी होती वो तो अलग, पर इस सब के बावजूद जीतने की एक आस पर दादा ने बेझिझक हाँ कह दी। ना केवल हम स्पिनर्स खिलाने वाले हैं, पर हम उस ग्राउंड पे किसी भी हाल में पहले बैटिंग करने वाले हैं। और यहाँ उठा था दूसरा सवाल, इंडिया के लिए उस पिच पर ओपनिंग कौन करेगा। अब पिछले 2 मैचेस के बाद सहवाग की जगह तो पक्की हो चुकी थी, पर जाफर के बुरे फॉर्म के चलते उनको रिप्लेस करना जरूरी था। ऑप्शंस थे 2, प्योर ओपनर शिवसुंदर दास और मीडियम पेसर ऑलराउंडर संजय बांगर। दोनों भी इसके पहले आजमाए गए और दोनों भी इसके पहले फेल। तो डिसाइड किया गया तीसरे टेस्ट के पहले ना एक प्रैक्टिस मैच होनी है, उसमें तुम दोनों ओपनिंग करोगे। जिसने परफॉर्म किया जगह उसकी। इस हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन टीम में लोगों को शायद ही कभी दूसरा मौका मिलता, और अब जब मिल रहा था तब दोनों प्लेयर्स को यह पता था ये अगली इनिंग उनका भविष्य डिसाइड करने वाली थी। और शायद इसी बात का प्रेशर बंगर पर हावी हो गया, जो सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कंपटीशन को वापस जाते देख दास ने फिर बिना प्रेशर के एक ऐसी पारी खेली जिसने उन्हें इंग्लिश फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडियन प्लेयर्स के स्कोर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर जाके रख दिया। और हाँ, बंगर ने दूसरे इनिंग में 70 रन मारे, पर 250 रन के सामने तो सबके नजरों में ये डिसीजन पहले ही ले लिया जा चुका था। इसलिए
हर कोई दंग रह गया जब दादा ने दास के बदले बंगर को चुना। अब कारण बड़ा सिंपल था, एक तो बंगर का मीडियम पेस ऑप्शन इस बार के स्पिन लाइनअप में जरा सा सेफ्टी देता, पर उससे भी इम्पोर्टेंट बंगर उनके डिफेंसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे। उस हेडिंगली के दलदल में दास के अग्रेशन के बजाय बुद्धा का निकनेम रखने वाले बंगर सहवाग को शायद ज्यादा सूट करते, और इसलिए 250 के सामने 21 को चुना गया। और उस मैच के इंडियन टीम में ऊपर से दूसरा नाम था संजय बंगर का, तो इंडिया के साइड से तैयारी हो चुकी थी, सारे निर्णय ले लिए गए थे, ट्रेनिंग और माइंडसेट अपने उरुज पर था, राह थी तो बस मैच के शुरू होने की, जिसके एक रात पहले भारी बरसात ने हेडिंगली के उस दानों को पूरी तरह जगा दिया था। डर के मारे कई लोग पहले बैटिंग करने पे भी हिचकिचाहट जता रहे थे, पर इस सब के जवाब में दादा ग्राउंड पर उतरे, टॉस जीता और बेझिझक बैटिंग करने का निर्णय ले लिया। ये जवाब सुनकर टॉस करने वाले बॉथम इतने चौंक गए थे कि उन्होंने दोबारा पूछा, आप बैटिंग करेंगे? हाँ बैटिंग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से हुई शुरुआत उस ऐतिहासिक मैच की, एक ऐसे पिच पर जिस पर पहले मिनट से ही पागलपन सवार था। एक ही लेंथ की बॉल कभी घुटनों तक भी ना आए तो कभी सीधा गले तक पहुंच जाए। उस पर ठहरे वो इंग्लिश पेसर्स जो इन कंडीशंस में बॉलिंग करने के लिए इतने खुश थे कि वो बाउंसर्स की बरसात करवा रहे थे, और जल्द ही इस घातक पिच पेसर कॉम्बो ने अपना पहला शिकार दबोच लिया। इन फॉर्म ओपनर सहवाग 8 रन बनाकर आउट हो गए। सहवाग को वापस आते देख सबके दिमाग में एक ही ख्याल था, प्लान मैन सब ठीक है, पर हम लॉर्ड्स की आसान पिच पर भी कोलैप्स कर गए थे, तो अब यहाँ इस सैलाब के सामने हम खड़े भी कैसे रहने वाले। हाँ, अगर कोई खड़ा रह सकता है तो वो थी वो दीवार जिसने कुछ ही साल पहले इन्हीं पिचेस पर एक साल तक ट्रेन किया था, जो इन्हीं ग्राउंड्स पर वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर बने थे, जो इस बैटिंग लाइनअप के सबसे अच्छे ओवरसीज प्लेयर थे, इंडिया की दीवार राहुल द्रविड़। इस मैच में जिंदा रहने के लिए उस दीवार का टिके रहना बेहद जरूरी था, और इंग्लैंड इसे बखूबी से जानते हुए उन पर टूट पड़ी। विजडन ने आगे जाकर इस मैच के बारे में लिखा कि उंगलियां सिर छाती जहां मिले वहां द्रविड़ को मारा गया। ऐसा लग रहा था कि मानो इंग्लैंड उन्हें आउट नहीं इंजर्ड आउट करना चाहता है, और इस सब के जवाब में द्रविड़ चुपचाप क्रीज पर खड़े रहे। बॉल अगर ऑफलाइन हो तो एक रन, वरना बॉल सीधे शरीर पर, क्योंकि द्रविड़ के दिमाग में कैलकुलेशन बड़ा सिंपल था, जब तक वो मुझे मार रहा है तब तक वो मेरी विकेट नहीं ले रहे, ना LBW ना बोल्ड, और अगर मैं बैट ही ना दिखाऊं तो ना कैच, तो बस मैं मार खाता रहूंगा, और ये सब अपना वक्त यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। और उन्हें देखकर दूसरे छोर पे खड़े बंगर भी अड़के बैठ गए। आखिर बुद्धा का नाम उन्हें ऐवे ही थोड़ी मिला था। इंग्लिश बॉलर्स हर बॉल जीत तोड़ के डालते और दोनों बैट्समैन सिर्फ मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर देते। इस बिना फल के मेहनत का असर धीरे धीरे उस इंग्लिश बॉलिंग पर नजर आ रहा था। वो बॉलर्स जिन्होंने इस सीरीज में करीब करीब अचूक बॉलिंग की थी, वो लंच आने तक अपनी लाइन आउट लेंथ चूक रहे थे। इंग्लिश कोच डंकन फ्लेचर से देखते हुए लंच ब्रेक में अपने बॉलर्स पर चिल्लाते रहे, सबकी गलतियां दिखाते रहे, नए नए रणनीतियां बनाते रहे, जबकि द्रविड़ अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए पिच को देखते रहे। यहां तक कि जब कोच जॉन राइट ने उनसे कहा कि अगर तुम यहां सेंचुरी बना पाओ तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग मानी जाएगी, तब भी द्रविड़ ने कुछ जवाब नहीं दिया। उनका दिल और दिमाग अभी उस पिच पर था जहां फिर एक बार जाकर उन्होंने मार खाना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब बांगर एक अद्भुत 260 बॉल्स में 68 रन की पारी खेलकर आउट हुए, तब सचिन के मुताबिक वो ट्रैक इतना घटिया था कि जब मैं क्रीज पर आया तब भी पिच गीली थी, बल्कि जो पार्ट सूखे थे वो बॉलिंग को और भी अनइवन बना रहे थे, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि द्रविड़ ने वो सुबह कैसे निकाली होगी। इसलिए शायद जब द्रविड़ ने इस दिन के अंत तक खड़े रहकर अपनी 220 बॉल की 330 मिनट लंबी सेंचुरी पूरी की, तब सचिन ने उस इनिंग को द्रविड़ के जिंदगी की सबसे बेहतरीन नॉक का दर्जा दिया। वो नॉक जिसने इस दिन के अंत तक भारत को सिर्फ एक विकेट पर 236 रन पर जाके पहुंचा दिया था। भारत अपने प्लान का पहला पड़ाव हासिल कर चुका था, पर इससे ना द्रविड़ संतुष्ट थे ना सचिन, क्योंकि दोनों ने कई बार उनके आउट होने पर इनिंग कोलैप्स होते हुए देखी थी, इसलिए दोनों भी जब तक हो सके तब तक क्रीज पर रहना चाहते थे, खास करके सचिन, क्योंकि उस दूसरे दिन वो पूरा ग्राउंड उनके यॉर्कशायर के फैन से भरा होना था, उन्हें उनके दूसरे घर पर स्वागत करने के लिए। हाथ से 12 साल पहले जब सचिन सिर्फ 19 साल के थे, तब वो फॉरेन पिचेस पर ट्रेन करने के लिए यॉर्कशायर के डोमेस्टिक टीम को ज्वाइन हुए थे। यॉर्कशायर जिसका होम ग्राउंड था
अनहेडिंगली। उस समय उनकी उम्र देखते हुए हर कोई उनको अपने छोटे बेटे की तरह ट्रीट करता था, और आज उनका वो बेटा दुनिया भर में मशहूर होने के बाद घर लौट रहा था, तो लाजमी है पूरा ग्राउंड यॉर्कशायर के लोगों से भरा हुआ था। हर कोई सचिन से एक यादगार पारी की उम्मीद करता, और थैंकफुली इस बार पिच ने भी उनका साथ दिया। अब वो पिच किसी भी एंगल से शांत नहीं हुई थी, बस फर्क इतना था कि कल जहां हर एक बॉलर को संभाल के खेलना पड़ रहा था, वहां आज कुछ बॉलर्स को टारगेट किया जा सकता था, स्पेसिफिकली क्यूडोर और होगार्ड को। तो बस दिन शुरू होते ही सचिन और द्रविड़ उन पर टूट पड़े। जहां कल पूरे दिन में सिर्फ 32 फोर्स मारे गए थे, वहां आज सिर्फ पहले इनिंग में 17 फोर्स मार दिए गए, जिनमें से 12 आए होगार्ड और क्यूडोर की बॉलिंग पर। फाइनली जब द्रविड़ 148 पर आउट हुए, तब तक दोनों ने मिलकर भारत को 335 रन तक पहुंचा दिया था। मैच अब पूरी तरह भारत के कब्जे में थी। आशा ये थी कि अब बचे हुए प्लेयर्स इस स्कोर को उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहां इंग्लैंड को वापस आना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, और यही करने उतरे थे इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली। पर उनके ग्राउंड पर उतरते ही मानो उस ग्राउंड में बिजली से दौड़ गई। जो बॉलर्स हताश थके हुए पिटे हुए दिख रहे थे, वो दादा के आते ही मानो उठ खड़े हुए। कंडीशंस एक और, स्कोर एक और, और दादा एक और। मैच हारो या जीतो, दादा को सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए पूरी इंग्लिश पेसर बैटरी बाउंसर लेकर लाइन में लग गई, जिसके सबसे आगे खड़े थे एंड्रयू फ्लिंटॉफ। अगले कुछ ओवर्स ना बॉक्सिंग मैच की तरह थे, जहां आप एक बॉक्सर के हाथ बांधकर सिर्फ पिटने के लिए भेज दो। वहां सचिन को भी गाइल्स की लेग ट्रैप ट्रीटमेंट मिल रही थी। दोनों को मिलाकर हर ओवर मेडन जाने लग गए, और फाइनली इस सबसे तंग आकर सचिन और दादा ने मैच के बीचों बीच डिसाइड किया, अब से सचिन फ्लिंट ऑफ का सामना करेंगे और दादा गाइल्स का। रन्स बने या ना बने, हर ओवर में जल्द से जल्द स्ट्राइक पर पहुंचो और अपने बॉलर को संभालो। अब दादा के लिए ठीक था, वो अपने फेवरेट लेग स्पिन का सामना कर रहे थे, पर सचिन के लिए इसका मतलब था कि वो फ्लिंट ऑफ को झेलेंगे, वो भूखा शेर जिसके मुंह का निवाला सचिन ने छीना था। तो अगले कुछ ओवर्स में सचिन की वो कुटाई हुई कि फाइनली जब लंच ब्रेक पर दोनों प्लेयर्स पेविलियन लौटे और दादा ने पैड्स उतार कर सचिन को कहा, वो बीच वाला फ्लिंट ऑफ का स्पेल हमने क्या झेला है, तब सचिन ने झट से जवाब दिया, हमने झेला साले, मैंने झेला है। अब सचिन को गाली देते हुए किसी ने भी नहीं सुना था, और वो भी यंगस्टर्स के सामने तो कभी भी नहीं, इसलिए ये लाइन सुनते ही पूरी पवेलियन सचिन को घूरने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। ये हंसी इस बात की गवाह थी कि फाइनली 2 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद वो पिच अब शांत होने लगी थी, और सचिन और दादा ने ये देखते हुए ईट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। पहले जो बाउंसर्स झेले जा रहे थे वो अब सीधा हुक या पुल कर दिए गए, और गाइल्स को तो दादा बकरा बनाकर मार रहे थे। ओवर बाय ओवर पिच आसान होती चली गई और इंडिया का स्कोरिंग रेट बढ़ता चला गया। दिन खत्म होते होते दोनों इस पॉइंट तक सेट हो गए थे कि जब अंपायर ने दादा को लाइट ऑफर करने की कोशिश की, तब दादा ने सीधा मना कर दिया, और फिर अगले 1 घंटे तक दोनों मिलकर T20 खेलने लगे। जहां इंग्लिश फील्डर्स को बॉल दिखने में भी तकलीफ हो रही थी, वहां दोनों बॉल को फुटबॉल समझ के मार रहे थे। जब तक दादा आउट हुए, तब तक उन दोनों ने मिलकर 11 ओवर्स में 96 रन ठोक दिए हैं, 5 सिक्सेस और 9 फोर्स। सचिन 185 पर नाबाद और इंडिया 584 पर। इंडियन क्रिकेट इतिहास में पहली बार 3 कंसेक्यूटिव 150 पार्टनरशिप्स हुए थे। हेडिंग लेके उस दलदल पर हमने एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया था। अगले दिन इंग्लैंड ने एक के बाद एक 4 आसान कैचेस ड्रॉप कर दिए थे। एंड में हालत ये हो गई थी कि अपने डबल सेंचुरी से 7 रन पहले आउट हुए सचिन तेंदुलकर निराश होना छोड़कर जोर जोर से हंसने लगे थे, खास करके तब जब भज्जी ने उस जीवनदान के जवाब में लाइन में 4 फोर्स जड़ दी। जहां अब तक इस सीरीज में हम एक भी बार उन्हें ऑल आउट करने में नाकाम हुए थे, वहां इस बार वो हमें ऑल आउट करने में नाकाम रहे। दादा के इनिंग डिक्लेयर करने पर इंडिया के 2 विकेट्स अब भी बाकी थे और स्कोर था 628। उस पॉइंट तक का इंडिया का 4th हाईएस्ट स्कोर और इंडिया के बाहर का हाईएस्ट टोटल कोई भी देखकर बता सकता था मैच अब पूरी तरह इंडियन कब्जे में थी। पर ऐसे में भी उस दिन का इंग्लिश मीडिया का रिपोर्ट एंड में यही कह रहा था कि हाँ, इंडिया का हारना करीब करीब नामुमकिन है, पर उनका जीतना वेल, उसके लिए उनको 20 विकेट्स लेने पड़ेंगे, जो इस बॉलिंग अटैक के लिए इंग्लिश मीडिया को तो ठीक था, इंडियन मीडिया भी अंत में यही कह रहा था, जीतने का सारा दारोमदार आखिरकार भज्जी और कुंबले के कंधों पर है, यानी पेस पिच पर जीतने की जिम्मेदारी स्पिनर्स के कंधों पर। बाहर जहां ये सब चल रहा था,
अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। सचिन की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार हम जब फील्डिंग करने उतरे थे तब हर कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। पहले ही डिसाइड हो चुका था हम किसी भी बैट्समैन को सेटल होने का मौका ही नहीं देंगे, इसलिए जैसे ही कोई भी आता उसे एक एक करके हर कोई उकसाने की कोशिश करता। और दादा ने फिर आग में तेल डालते हुए 12वें ओवर से ही स्पिनर से बॉलिंग करवानी शुरू कर दी। नए बॉल से ग्रीन ट्रैक पर स्पिनिंग, यानी करीब करीब चुनौती देते हुए मार सको तो मार लो। और जल्दी ये तरकीब अपना जलवा दिखाने लगी। रॉब की जहीर के गेंद पर एक आसान सी कैच दे बैठे, जबकि बुचर कुंबले का शिकार बन गए। फिर भी इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर माइकल वॉन फिर एक बार सेट होते दिख रहे थे। अब तक उन्होंने दो टेस्ट में दो सेंचुरी मारी थी और अब भी उन्होंने 80 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी तक पूरी कर ली थी। पर फिर आगर करके बॉलिंग पर एक मिनट के लिए उनका ध्यान हटा और वो एक सिंपल सा कैच दे बैठे, और फिर बारिश की एक हल्की सी बौछार आ गई जिससे हेडिंगली का वो दानव झट से उठ खड़ा हुआ। हुसैन को सीधा निकलते हुए, जहां बारिश के पहले कुंबले प्लेयर्स पे भारी पड़ रहे थे, वहां बारिश के ठीक बाद भज्जी की फ्लाइटेड गेंद अपना करिश्मा दिखाने लगी। फ्लिंटॉफ और क्रॉली को एक के बाद एक गेंदों में वापस भेजते हुए, अब हाँ ट्यूडोर ने भज्जी की हैट्रिक तो रोक दी, पर फिर वो हेडिंगली के दानों को ना रोक पाए और जल्द ही आगर करके हत्ते चढ़ गए। जो बची कुची कसर थी वो दोनों स्पिनर्स ने पूरी कर दी और इंग्लैंड 273 पर ऑल आउट हो गया। क्रिकेट की शायद यही एक अनोखी बात है, दिन बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। जहाँ पहले टेस्ट में नसीर हुसैन हमें फॉलो ऑन देने का सोच रहे थे, वहाँ उसके ठीक 3 हफ्तों बाद दादा इंग्लैंड को फॉलो ऑन देने का सोच रहे थे। पर जहाँ नसीर ने सेफली खेलने का ऑप्शन लिया था, वहाँ दादा की डिक्शनरी में शायद डिफेंसिव वर्ड था ही नहीं, उन्होंने झट से इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे दिया और फिर एक बार अपने स्पिनर्स को खुला छोड़ दिया। उस पर आगर करके एक रूटीन से बॉल पर वॉन का एक मिसप्ले करके आउट हो जाना। ऐसा लग रहा था कि ये दिन भारत के लिए बनाया गया है। की और बुचर बस पारी को संभाल ही रहे थे कि लंच ब्रेक के ठीक बाद कुंबले ने की को उठा लिया, और फिर नासिर हुसैन का चेहरा देखने लायक था जब नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े उन्होंने बुचर और क्रॉली दोनों को एकदम रूटीन से बॉल पर मिसप्लेड शॉट खेलकर आउट होते हुए देखा। चाहिए वैसा पिच मिलने के बाद भी मैच इतनी बुरी तरह से हार जाना कप्तान को वो हरगिज मंजूर नहीं था। और अब गए इनिंग के टॉप स्कोरर स्टीवर्ट क्रीज पर आने के बाद वो धीरे धीरे एक पार्टनरशिप खड़ी करने लगे। एक और दोनों स्पिनर्स की मेडन साथे जा रहे थे, दूसरी ओर पेसर्स के बाउंसर्स की भरमार। यहां तक के 150 से लेके 200 रन तक पहुंचने के लिए उनको करीब 150 गेंदें लग गई थी। पर जिस कप्तान ने सीवियर क्रैम्स होने के बावजूद पहले टेस्ट इंग्लैंड की तरफ घुमाई थी वो आसानी से थोड़ी मानने वाले थे। बस जिस तरह सचिन और द्रविड़ ने धीरे धीरे गेम का मोमेंटम बदला था, ठीक उस तरह इंग्लैंड 148 फॉर 4 से उठकर दिन खत्म होने पर 239 फॉर 4 तक पहुंच गई। जीतने का कोई चांस नहीं और पूरी मैच मिडिल ऑर्डर के कंधों पर। करीब करीब वही सिचुएशन जो लास्ट मैच में इंडिया की थी। इस मैच को बचाने के लिए अब इंग्लैंड को वही दृढ़ता दिखानी पड़ती, वही चीटिंग दिखानी पड़ती जो उस दिन दादा सचिन और द्रविड़ ने दिखाई थी। पर इस बार इनके सामने खड़े थे दादा, जो पहले दिन से इस आखिरी दिन का इंतजार कर रहे थे, आखिरी दिन और उनके स्पिनर्स के जादू का इंतजार कर रहे थे। और दिन शुरू होते ही नया बॉल लेने के 10 ओवर के अंदर बॉल कुंबले के हाथ में था, जिन्होंने फिर अपने दिन के पहले ही ओवर में उसे इनका विकेट ले लिया। इंग्लैंड का कप्तान अपनी सेंचुरी बनाकर पवेलियन लौट चुका था और अब बारी थी इंग्लैंड के आखिरी आस की क्रीज पे आने की। वो शख्स जिसने इस पूरे वाक्य की शुरुआत की थी बस एक सीधे साधे डिनर पर दादा पर गुस्सा होकर। हाँ, फ्लिंटॉफ अब क्रीज पर आए थे और ये देखते ही दादा मुड़े और चुपचाप बॉल जहीर खान को थमा दी। मिशन सिर्फ एक, खून का बदला खून, बाउंसर का बदला। फ्लिंटॉफ को डली पहली बॉल सीधे उनके सर पर। फ्लिंटॉफ गुस्से में जहीर खान से झगड़ा करने लगे, गेम वहीं कभी रोक दिया गया। आखिरकार उस नेटवेस मैच में उस आखिरी ओवर में ऐसे एक बाउंसर पर फ्लिंटॉफ ने जहीर को चुनौती दी थी और आज जहीर मानो वही चुनौती उन्हें वापस दे रहे थे। पर वहां जहां जहीर ने इंडिया को मैच जितवाई थी, यहां फ्लिंटॉफ ने अगली बॉल द्रविड़ के हाथों में दे दी। फ्लिंटॉफ जीरो पर वापस भेज दिए गए, जहां हुसैन ने 280 मिनट तक क्रीज संभाल कर अपनी टीम को बचाने का एक छोटा सा मौका कमाया था, वहां उनकी पूरी टीम 78 मिनट में ऑल आउट होकर गवा दिया। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक पेसर्स पिच पर इंडियन स्पिनर्स ने 11 विकेट्स लेकर, उस गैम्बलिंग ओपनर ने 2 विकेट कमाकर और उस मिडिल ऑर्डर ने 470 रन्स बनाकर इंग्लैंड में हाईएस्ट मार्जिन से जीत दर्ज की थी। एक इनिंग और 46 रन्स। हम हेडिंगली फतेह कर चुके थे, ये सीरीज ड्रॉ हो चुका था।
जीतना बची थी तो बस वो आखिरी टेस्ट। और इंडियन क्रिकेट इतिहास में पहली बार इंग्लैंड के सरजमीन पर एक टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था, वो मौका जिसके जवाब में राहुल द्रविड़ ने डबल सेंचुरी मार दी, इंडिया को एक अच्छे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। पर वो मौका जिसको बरसात ने आखिरी दिन पर बहा के रख दिया, वो आखिरी मैच वॉश आउट हो गई, सीरीज बस ड्रॉ होकर रह गई। पर ये एंडिंग इस बात को छोटा नहीं कर सकते कि हमने 15 साल बाद इंग्लैंड में एक टेस्ट जीता था। ये टीम 10 सालों बाद एशिया के बाहर कोई सीरीज ड्रॉ करवा पाई थी। क्रिकेट स्टैटिस्टिशियंस के अनुसार इंडिया की फॉरेन टूर्स की कहानी हेडिंगली के पहले और हेडिंगली के बाद में इन दो हिस्सों में बताई जा सकती है। और कुंबले के शब्दों में, उस मैच ने हमें एक विश्वास सा जगाया था कि हाँ हम घर के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका प्रूफ इसके ठीक बाद हुए पाकिस्तान के टूर में साफ नजर आ रहा था, जहाँ बार बार बड़े स्कोर का सामना करने के बावजूद हम एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाए थे। और रही उस फ्लिंट ऑफ और दादा के झगड़े की बात, तो वो झगड़ा कौन जीता वो आप बस इसी बात से समझ ले कि उस आखिरी दिन, उस आखिरी विकेट पर, उस झगड़े के बाद जहाँ दादा और जहीर फ्लिंट ऑफ को घूरे जा रहे थे, वहाँ फ्लिंट ऑफ चुपचाप आगे देख कर चले जा रहे थे बिना एक बार भी पीछे देखे। तो ये थी उस टेस्ट की कहानी, उस सीरीज की कहानी और उस झगड़े की कहानी जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नया आयाम दिया, जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नई सुबह दिलाई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। मुझे पता है कि मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए बहुत समय लगा लिया। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया, सब्र रखने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।